की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते दो हफ्तों से धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं हमारे देश की महिला पहलवान। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के अलावा बाकी तमाम पहलवानों ने दावा किया है, गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी से सांसद और WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बंद हो चुकी है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दिया गया है, लेकिन अब महिला पहलवान निचली अदालत की तरफ रुख जरूर कर सकती है। ऐसे में देखा जाए तो अब किसान भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत उनके समर्थन में है, कई किसानों के साथ वह जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। और इसी बीच देखा जाए तो लगातार तमाम वरिष्ठ नेता डंके की चोट पर महिला पहलवानों के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री महिला पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं जब वह गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं, लेकिन आज उन्हीं महिलाओं के लिए, आज उन्हीं बेटियों के लिए वह कुछ नहीं कह रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए सभी पदों से, ये मांग की है इन बेटियों ने और कहना है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसी बीच कपिल सिब्बल ने उनसे पूछा है, क्या आरोपी उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है कि जांच पूरी होने तक उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। कपिल सिब्बल ने दिल्ली पुलिस के द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में 7 महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए जाने के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार पर तंज कस दिया। जानकारी दे दें कि 28 अप्रैल को WFI प्रमुख पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए और इस आरोप में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों की तरफ से पेश हुए थे, दलीलें रखी गई और अब शनिवार के दिन उन्होंने ब्रजभूषण को लेकर एक ट्वीट किया। ब्रजभूषण, 2 महिला पहलवान पुलिस के पास श्वास परीक्षण के बहाने छुआ, मेरा सवाल, क्या वे उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए इतने अहम हैं कि इन्हें जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जा सकता। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि आपकी बेटी बचाओ नारे का क्या हुआ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप क्यों हैं? साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ कई पहलवान लगातार आरोप लगा रही है और आरोपों में घिरे हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, जंतर मंतर पर वह बैठी हुई है और ऐसे में देखा जाए तो महिला पहलवानों के लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने चुप्पी तक नहीं तोड़ी है। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आखिरकार चुप क्यों हैं? इस तरह से कपिल सिब्बल ने ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर डंके की चोट पर अपनी बात रखी। अब देखते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी कब तोड़ते हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत तेज है और ब्रजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा उन पर आरोप लगा रही है, वह किसी सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़के दिखाए तो जाने। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।